गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज सी एंड एक्सरसाइज डी ऑफ चैप्टर 6 बेड टाइम. आई विल रीड द क्वेश्चन एंड टेल यू द आंसर्स. आई विल ऑल्सो सेंड अ फोटोग्राफ, राइट इट इन योर नोटबुक. सब मैजिक कारपेट ओपन करिए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45. फर्स्ट क्वेश्चन, इज द पोएट राइटिंग अबाउट चिल्ड्रन और ग्रोनअप्स? हाउ डू यू नो? तो बच्चों, पोएट किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? छोटे बच्चे. हाउ डू यू नो? द पोएट इज राइटिंग अबाउट चिल्ड्रन. वी नो इट बिकॉज इन दिस पोयम डिफरेंट चिल्ड्रन आर डूइंग different works. Second question, let me stay 5 minutes more. What does stay mean here? Answer is stay out of bed. B. Third one, what is the poem about? ये poem किसके बारे में है बच्चों? Answer is A. Finishing different things the children are doing. मैं फोटो भेजूंगी बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, आपकी एग्जाम में आएंगे. एक्सरसाइज डी, व्हाट डस वन नीड टू डू बिफोर गोइंग टू बेड? मैच. तो बच्चों, सोने से पहले आप क्या करते हो? आपको मैच करना है यहाँ पर. सी, फर्स्ट वन, फिनिश. क्या फिनिश करना है इसमें से? होमवर्क. आप अपना होमवर्क अच्छे बच्चों की तरह फिनिश करते हो, फिनिश होमवर्क. सेकंड, हैव डिनर. हैव डिनर यानी कि रात का खाना. थर्ड वन, ब्रश टीथ. आप अपने दांतों को ब्रश करते हो ना, ब्रश टीथ. लास्ट वन, पुट ऑन नाइट क्लोथ्स. आप सोने जाते हो उसके पहले आप नाइट ड्रेस पहनते हो. देखिए, ये बच्चा नाइट ड्रेस पहन रहा है. ओके, सो पुट ऑन नाइट क्लोथ्स. मैं और एक बार बता रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए. फर्स्ट वन, फिनिश डिनर. हैव, सॉरी, फर्स्ट वन, फिनिश होमवर्क. फिनिश होमवर्क. हैव डिनर. हैव डिनर. ब्रश टीथ. ब्रश टीथ. पुट ऑन नाइट क्लोथ्स. पुट ऑन नाइट क्लोथ्स. डू टुडेज एक्सरसाइजेस, राइट इट इन योर नोटबुक. दिस वन एक्सरसाइज सी, और ये वाली एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में कर ले.